यार कैंपस मुझे बहुत प्यारा लग रहा है खुद को, तो ये फैसिलिटी बहुत कम हॉस्टल्स में मिलती है जो ये यहाँ पर है। इधर भी लगे हुए वर्क हार्ड ड्रीम बिग, फिर बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा उनकी तरफ से भी लिख रखे हैं, ये इधर भी लिख रखे हैं। ये यहाँ की आ गई लाइब्रेरी, यहाँ पर डाउट क्लासेस वगैरह होती है बच्चों की, तो कोई भी डाउट अगर होता है तो यहाँ पर वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। बाहर की जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो यहाँ पर मिल सकती है बच्चों को। अब यहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं एक बार उनसे भी बातचीत करके देखते हैं। अच्छा, क्लासेस कहाँ लगती है आपकी? मेरी क्लास अभी समर्थ में। समर्थ में लगती है, ड्रीम तो अभी IIT दिल्ली में जाना है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है आपकी कि यार भैया अफोर्डेबल हॉस्टल जो है ना उसके लिए वीडियोज़ वगैरह बनाओ। ताकि हम आराम से रह सके, कम पैसे में कम खर्चे में हम रह सके। तो मैं आया हूँ ओरूम के मास कैंपस में। इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जाके देख सकते हो या हम लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। रेड का वीडियो भी है, रेड भी डाली हुई है हमने, यहाँ पर बच्चों से बातचीत की हुई है, वो भी वीडियोज़ आप देख सकते हो। बाकी आज मैं फुल रिव्यू करूँगा कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, कितने पैसे में आप यहाँ पर रूम वगैरह ले सकते हो, मंथली कितना चार्ज वगैरह रहेगा, स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है, बाकी यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। ठीक है, एक अनाउंसमेंट ये भी करने वाला हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा में छोड़ने आ रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलकर दिखाते हैं, पहले आपको रूम टूर करवाते हैं और फिर बेनिफिट बताते हैं यहाँ के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ का वेलकम है, ये सर बैठे हुए हैं। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया। आपका काम होता है कि यहाँ से जो बच्चा जा रहा है उसका एंट्री करवाना, उसकी एंट्री करवाना और उसका टाइम नोट करना, आने का टाइम, जाने का, आने का टाइम, जाने का टाइम नोट करना। ठीक है, मतलब आपकी परमिशन के बिना बच्चा यहाँ से नहीं जा सकता। ठीक है, आइए आप बाकी का दिखाते हैं आपको। तो ये इनके गैलरी वाला रूम है। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लीन कैंपस है, आप देख सकते हो, स्ट्रेस फ्री कैंपस, क्लीन कैंपस। अब इनके रूम्स दिखाते हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं। तो आ जाओ, हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं जहाँ पर इनका डेमो रूम है। आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके के रूम यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो चलते हैं और रूम्स में जो डेमो रूम है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाला डेमो रूम है 1 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, बहुत प्यारा रूम है यार, क्लीन भी है और स्टूडेंट्स के लिए जो जगह चाहिए ना, बड़ा रूम जो होता है स्टूडेंट के, आराम से रह सके, आराम से पढ़ाई कर सके, इस तरीके से बुक रैक वगैरह है तो बुक वगैरह रख सकते हो आप, टेबल है, चेयर मिल जाएगी आपको, ये अलमीरा है आपके इंपॉर्टेंट सामान रखने के लिए यहाँ पर। ठीक है ना, ये बेड लगा हुआ है साथ में, इधर ये इधर से बढ़िया व्यू आ जाएगा आपके लिए, बहुत प्यारा व्यू आ जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड भी है, मैं बाद में चल के दिखाऊंगा आपको। ये लेट बाथ अटैच है। बाकी यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए वाईफाई की फैसिलिटी है, जो ऑनलाइन स्टडी वगैरह करना चाहते हैं, कुछ डाउनलोड वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए वाईफाई अनलिमिटेड है। सामने आप देख सकते हो पूरे कैंपस में कैमरास लगे हुए हैं हर जगह में, जहाँ पर भी बच्चा जाएगा कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है। अभी यहाँ पर भी सामने कैमरा लगे हुए हैं, ये यहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं इक्विपमेंट्स, मतलब फायर की भी पूरी फैसिलिटी है। बाकी ये तो ओपन है ही सही अगर कोई भी ऐसी घटना होती तो। बाकी ये यहाँ पर बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए यहाँ पर मीटर्स लगे हुए हैं सबके सेपरेट, जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आएगा वो बच्चों को पे करना रहता है। ठीक है, बाकी इनके बच्चों के लिए यहाँ पर लिफ्ट की फैसिलिटी भी है। ठीक है, लिफ्ट से ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये इनका छोटा सा पेंट्री एरिया है, यहाँ पर इन्होंने ओवन वगैरह रख रखा है, इंडक्शन रख रखा है, टोस्टर रख रखा है, बच्चों को रात में अगर कुछ खाना पीना हो, कोई भी बच्चा हो चाहे हॉस्टल का, वो आकर यहाँ पर कुछ भी बना सकता है अपने लिए। ठीक है, तो ये फैसिलिटी बहुत कम हॉस्टल्स में मिलती है जो ये यहाँ पर है। बाकी मोटिवेशन के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर इस तरह के कोट्स वगैरह लगा रखे हैं ताकि बच्चे स्ट्रेस फ्री रखे। इधर भी लगे हुए वर्क हार्ड ड्रीम बिग, फिर बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा उनकी तरफ से भी लिख रखे हैं, ये इधर भी लिख रखे हैं। ठीक है, तो अच्छा वाइब्स है यहाँ की, पूरी की पूरी वाइब्स अच्छी है, बहुत प्यारी वाइब्स है। मैंने अभी आपको दिखाया था नॉन एसी वाला रूम, अब दिखाते हैं आपको एसी वाले रूम। ठीक है, आइए। तो ये एसी वाला रूम है और डबल रूम है। ठीक है, दो बच्चे भी यहाँ पर रह सकते हैं आराम से, डबल बेड वाला रूम है ये। इधर इनकी बुक्स वगैरह रखी हुई है सारी, ये बुक रैक वगैरह है, अलमीरा है, ये यहाँ पर एसी लगा हुआ है इनके, तो एसी वाला रूम भी है और इधर से विंडो साइड है, तो यहाँ से बढ़िया वापस से वही व्यू वाला सिस्टम है, यहाँ पर व्यू यहाँ से बहुत शानदार आता है। और यहाँ पर अभी है ना PW की ये छतरी लगी हुई है, मतलब PW वाले दोनों स्टूडेंट्स PW के रहते हैं यहाँ पर, है ना, तो आप भी चाहें तो बिल्कुल रह सकते हैं, एफोर्डेबल कॉस्ट है बिल्कुल। बाकी कॉस्ट तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी हम आगे इनके मेस एरिया में, कैंटीन एरिया में, जहाँ बच्चे बैठकर खाना खाते हैं, तो ये इनका कैंटीन एरिया है जहाँ पर बैठ के बच्चे खाना वगैरह खाते हैं सुबह शाम। इनके कुछ अच्छे अच्छे क्वार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के लिए खाने को लेकर। ठीक है ना, ये एरिया भी इधर डाइनिंग एरिया, ये यहाँ पर भी बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, ये कुछ मेस रूल लिखे हुए हैं यहाँ पर, मेस के लिए कुछ रूल है ऐसे।
अच्छा हमको सिखा रहा है ये, आप देख सकते हो ठीक है। ये यहाँ पर मेस का टाइमिंग है, जहाँ पर सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट है, लंच है, स्नैक्स है एंड डिनर टाइम लिखा हुआ है। तो इसी टाइम पे बच्चे खाना वगैरह खाते हैं। बाकी बच्चे यहाँ बाहर आकर भी खाना वगैरह खा सकते हैं, रात के टाइम में बैठ सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं। और यहाँ का जो व्यू है ना यार, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है यहाँ का। ये देख सकते हो आप, बहुत मस्त व्यू है, ओपन एयर, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ पर, है ना। ये जो सामने देख रहे हो ना आप, ये मोशन का ध्रुव कैंपस भी है। बाकी और भी बहुत सारे रेजिडेंशियल कैंपस हैं यहाँ पर सामने। तो और इधर की साइड में मैं आपको दिखाऊं, इधर भी ये पूरा ओपन एरिया है। ये यहाँ पर रात में बैठने के लिए बच्चों के लिए मुड्डे वगैरह कुछ लगाए हुए हैं, ताकि कुछ बातचीत करनी है दोस्तों के साथ आकर बैठ सकते हैं। ये लाइटिंग भी है तो रात में जलती है, दिखाएंगे आपको कभी आके। यहाँ से देखो आप, ये यहाँ से ग्राउंड है पूरा का पूरा। अभी बच्चे खेल भी रहे हैं नीचे की साइड में। बैडमिंटन ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, बाकी इंडोर गेम्स भी है इनके पास बहुत सारे। इंडोर गेम्स भी अभी चलकर दिखाते हैं आपको। बहुत ओपन कैंपस है, बहुत प्यारा कैंपस है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये कैंपस, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर मैंने 3-4 वीडियोज़ बनाई हुई है पहले, उनको भी जाकर आप देख सकते हो, है ना। तो आइए आपको अब दिखाते हैं ग्राउंड वगैरह और लाइब्रेरी वगैरह, वे टू लाइब्रेरी। इधर लाइब्रेरी जाने का रास्ता है। ये कुछ बच्चे हैं जो अभी खेल रहे हैं, हमने पहले एक वीडियो बनाया था उसमें तो पूरा हमने बताया था कि कैसे रात में खेलते हैं। अभी पढ़ने का टाइम है तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शाम का टाइम है तो। बाकी खेलने के टाइम पे सारे बच्चे यहाँ ग्राउंड में रहते हैं इनके, है ना। ये सारे क्वार्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो ये सामने लाइब्रेरी आ गई अपनी, लाइब्रेरी और इंडोर गेम यहाँ पर है, ठीक है। ये यहाँ पर इंडोर गेम्स वगैरह खेल सकते हैं बच्चे। अभी उनका स्टडी का टाइम है तो बच्चे भी स्टडी कर रहे हैं अपने रूम पे या कोचिंग्स में। तो यहाँ पर टेबल टेनिस खेलते हैं रात के टाइम पे, ठीक है। इधर कैरम वगैरह लगा हुआ है, कैरम भी खेल सकते हैं बच्चे, कैरम भी खेल सकते हैं यहाँ पर आकर। मैं थोड़ा सा बिगाड़ देता हूँ इसको। हेलो कैसे हो बेटा, बढ़िया। यहाँ पर एक्सरसाइज करने का है आपके, डेली आते हो एक्सरसाइज करने? वाह यार पसीना आ रहा है आपके। कैसा, क्या फ़ायदा मिलता है आपको बताओ, सब बच्चों को भी बताओ आपको क्या फ़ायदा मिलता है इससे? यही है कि मतलब फिजिक सही रहता है और मेंटल है, मतलब कभी कभार जैसे बॉडी में पेन हो ना या सिर दर्द हो तो आप एक्सरसाइज कर लो ना, बस आधा घंटा, उसके बाद सही हो जाता है। हरियाणा से लग रहे हो आप? हरियाणा से। हरियाणा से, वाह आवाज़ से लग गया एकदम। बाकी ये बताओ कहाँ से, कौन सी कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो? PW कर रहे हो। किसकी कर रहे हो तैयारी? जेई की। PW में यहाँ से आए, यहाँ पर आए हो, बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर PW से? हाँ बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, हाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल मेरे को बताओ। बढ़िया सर, मुझे 1.5 साल हो गए रहते। 1.5 साल हो गए रहते, हाँ। रहते बच्चे एक हॉस्टल में 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहते, 3 महीने ज़्यादा था 1 साल। आप 1.5 साल कंटिन्यू कर रहे हो यहाँ पर? मैं 1.5 साल, मतलब बढ़िया लग रहा है आपको यहाँ पर? सच में बढ़िया है, सच में। क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरे साथ के जितने बच्चे आए थे ना और सभी चले गए हैं। मेरा मतलब उनकी क्लासेस खत्म हो गई, हुई चले क्लासेस खत्म हो गई, कुछ ऐसे ही थे मतलब ऐसे। लेकिन सर सबको लगता है कि सर्विसेज आने में टाइम लगता है, तो अभी बेस्ट है यहाँ की सर्विसेज, सारी सर्विसेज, खाना वगैरह सारी चीज़ें लेकर सारी सर्विस बढ़िया है। मैनेजमेंट भी प्रॉपर है, कोई सुने तो एक्शन होंगे, है ना। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच सर। चलो करो आप कंटिन्यू करो आपका। अभी लाइब्रेरी में चलते हैं, लाइब्रेरी दिखाते हैं आपको। ये यहाँ के आगे लाइब्रेरी, तो ये लाइब्रेरी है। बच्चे जब भी अपना चाहें कि फ्री टाइम पे यहाँ अगर पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। कूल इन्वायरमेंट है, वैसे तो रूम पे भी कूल इन्वायरमेंट रहता है, पर बच्चों को ऐसा होता है ना कि कभी कभी अकेले मन नहीं लगता, तो यहाँ लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत प्यारी लाइब्रेरी है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, सारे बच्चे भी आकर अगर पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पर आकर, ठीक है। बाकी ये क्लास रूम वगैरह है इनका, मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर डाउट क्लासेस वगैरह होती है बच्चों की, तो कोई भी डाउट अगर होता है तो यहाँ पर वो सॉल्व आउट कर सकते हैं, टीचर्स अवेलेबल रहते हैं उस टाइम पे, और ये डाउट क्लासेस है, ठीक है। स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये इनका कैंटीन एरिया है, जहाँ पर कैंटीन है, और यहाँ पर अगर बच्चों को कुछ चाहिए ना, बाहर की जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो यहाँ पर मिल सकती है बच्चों को। हेलो भैया, बच्चों के लिए क्या क्या रखा हुआ है आपने? चाउमीन मैगी बर्गर सैंडविच सब मिल जाते हैं यहाँ? क्या बात है, ये कुरकुरे भी रखे हुए हैं यार, बिस्किट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है बच्चों को, मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया है यार, कैंटीन की फैसिलिटी भी है। बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं ना तो वो सोचते हैं कि बाहर नहीं जाना पड़े हमें, वैसे बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, खाना भी यहाँ पे बेस्ट मिलता है, पर जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो कैंटीन में आकर वो जो भी चीज़ें चाहे वो परचेज़ वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करके देखते हैं, उनसे रिव्यूज़ लेते हैं यहाँ का। हेलो भाई, क्या हाल चाल है, क्या नाम है आपका बेटा? रजत। रजत रजत त्रिपाठी।
एलएलएम में पढ़ रहे हो आप अभी? किसकी कर रहे हो तैयारी? अभी तो जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, क्लासेस कहाँ लगती है आपकी? मेरी क्लास अभी समर्थ में। समर्थ में लगती है, अच्छे से हो जाओ खड़े, कोई दिक्कत नहीं है यार। आपका रूम बता सकते हैं ना हम? है ना, ये इनकी बुक्स वगैरह है भाई, देख सकते हो आप। ये इन्होंने शिव जी का लगा रखा है ये, ठीक है। बाकी ये सबसे प्यारी चीज़ लगा रखी है गीता जी की, ठीक है। और बताओ कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई वगैरह? अभी तो पढ़ाई बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। क्या ड्रीम है? ड्रीम तो अभी आईआईटी दिल्ली में जाना है। आईआईटी दिल्ली में जाना है। कितने घंटे पढ़ाई वगैरह कर रहे हो यहाँ पे? क्लास लेके तो मतलब अभी 9-10 घंटे तक हो जा रहे हैं। 9-10 घंटे पढ़ाई कर लेते हो क्लास लेके? तो मतलब 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे की क्लास ही रहती है? 4.5 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद फिर होमवर्क वगैरह हटा के फिर सेल्फ स्टडी, उसके बाद होमवर्क काउंट नहीं कर रहा उसमें। अच्छा, होमवर्क काउंट नहीं कर रहे, मतलब 3-4 घंटे की आप सेल्फ स्टडी करते हो होमवर्क के बाद? होमवर्क के बाद, राइट। ठीक है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और रूम्स के बारे में बताओ थोड़ा सा? इन्वायरमेंट मतलब सही है, सिटी के मुकाबले अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। यहाँ डिस्ट्रैक्शन फ्री है? डिस्ट्रैक्शन फ्री है। फूड वगैरह की क्वालिटी कैसी है यहाँ पर? खाना तो सही मिलते हैं, बाकी हॉस्टल के कंपेयर में सही है। पक्का? कितने टाइम से रह रहे हो आप यहाँ पे? मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया यहाँ पे। 1 साल हो गया, 11th में। तो फिर तो आपको सारी चीज़ें पता होगी यहाँ की, तो सारी चीज़ें बेस्ट है? हाँ बेस्ट है, बाकी कोई दिक्कत होती है तो उनको बोलो तो इम्प्रूव कर देते हैं। इम्प्रूव कर देते हैं। बाकी जो बच्चे आपको देख के यहाँ आना चाहते हैं उनको क्या बोलोगे? उनको मतलब यही बोलना चाहिए कि एक बार आप मतलब आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो सारी चीज़ें, देख लो, इसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं, है ना। तो फाइनली हमने सारी चीज़ें आपको बता दी, यहाँ पर बच्चे कैसे रहते हैं, सारी फैसिलिटीज़ कैसी कैसी है, रूम किस टाइप के हैं, यहाँ पर एसी, नॉन एसी और सिंगल और डबल दोनों टाइप के रूम हैं, तीनों टाइप के रूम हैं, ठीक है। बाकी अब मैं आपको बता दूं कि जो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने के लिए कोटा में आ रहे हैं उनके लिए 1 डे का स्टे फ्री यहाँ पर रहने वाला है, खाना पीना सब कुछ यहाँ पर फ्री रहेगा उनका। अगर वो चाहते हैं कि इस हॉस्टल से उनको लेने के लिए स्टेशन में वैन जाए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं, ये आपके लिए वैन भेजेंगे स्टेशन पे, चाहे आप कोई से भी टाइम हो, जब भी आप आ रहे हो, रात में, दिन में, कभी भी आ रहे हो, तो ये आपके लिए वैन यहाँ से भेज देंगे, ठीक है। उससे आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो और यहाँ आकर विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, आप यहाँ पर रह सकते हो, 1 डे के लिए स्टे फ्री रहेगा बिल्कुल हॉस्टल की तरफ से, हमारी तरफ से। आपको अगर पसंद आता है तो आप ये हॉस्टल चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ सारी फैसिलिटी है, सबसे अफोर्डेबल है, 8,000 से यहाँ पर रूम आपको मिल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसमें खाना पीना, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, सारी फैसिलिटी आपकी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो बुकिंग कर सकते हो आप, इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इनका फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हो ताकि इनकी टीम आपको कॉल कर ले अगर ये कॉल नहीं उठा पाए तो, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से कोई ना कोई आपको जरूर हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।